नमस्कार, स्वागत है आपका द नेटिजन न्यूज में। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरें जानने के लिए चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों की तरफ। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा से है। आपको बता दें कि खुर्जा से भाऊपुर जा रही मालगाड़ी पर गुरुवार सुबह एतमादपुर और टूंडला के बीच फायरिंग से सनसनी फैल गई। फायरिंग में इंजन का शीशा टूटने की जानकारी दी गई है। ड्राइवर द्वारा सूचना दिए जाने के बाद आनन फानन में आरपीएफ की टीम ने घटना स्थल पर पहुंचकर जांच की। ड्राइवर द्वारा दी गई सूचना के मुताबिक फायरिंग के बाद तीन लोगों को भागते हुए देखा गया है। ट्रेन की जाँच कानपुर में की जाएगी। आज KM 4+5 थी, लॉन्ग हॉल बोलते हैं उसको। उस गाड़ी के ड्राइवर ने रिपोर्ट किया है न्यू टूंडला स्टेशन पे के किलोमीटर नंबर 730 का 33 पे किसी तीन अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गाड़ी पे इंजन पे फायर किया गया है, ऐसा सूचना है। अभी सिविल पुलिस एतमादपुर के SHO उस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और GMC में गाड़ी को रुकवा के उसकी फोरेंसिक जांच होगी कि मामला गोली का है या किसी दूसरी चीज का है। अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है मामला। ये कहां से कहां जा रही थी ट्रेन? ये गाड़ी दिल्ली से कानपुर साइड के लिए जा रही थी।